नमस्कार, जय हिंद। इन फोकस में आपका स्वागत है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणपति बप्पा का आगमन करीब एक महीने बाद होने जा रहा है, मगर कोविड-19 के चलते मूर्तिकारों के जीवन पर इसका क्या असर हुआ है और क्या गणेश मूर्ति के डिमांड में भी फर्क पड़ा है, जानिए इस पर एक खास रिपोर्ट। परमानंद ठाकुर करीब 50 वर्षों से गणेश मूर्ति बनाने के व्यवसाय से जुड़े हैं। हर साल गणेश चतुर्थी आने के लगभग 6 महीने पहले से ही उनके वर्कशॉप में गणेश मूर्ति बनाने का काम शुरू हो जाता है, पर कोरोना महामारी के वजह से मूर्तियों की मांग पर भी काफी असर पड़ा है। बड़े गणपति में तो 100% डिफरेंस हो गया, यानी पूरा बंद हो गया है। ना पेंडल लगाने दिए गए ना, और गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट के आदेश अनुसार हमने उसके ऊपर यानी वैसे आदेश का पालन किया है, इसलिए तो पूरा 100% हम बड़े गणपति बंद हो गए। और वो 4 फीट का जो उसने ये दिया था कि बस 4 फीट में करो, लेकिन 4 फीट में भी नहीं हो गए। लोग जो सार्वजनिक थे तो मेरे ख्याल से गए साल मेरे पास 90% सार्वजनिक वाले आए ही नहीं। जो 10% आगे उसमें से वो 2 फीट 1.5 फीट नाम के लिए लेके गए और गणपति पूजा किए, लेकिन 90% लोग ने तो सार्वजनिक वाले गणपति बैठाए नहीं। वो कम ही हो गए ना, यानी 100% मार्जिन हमारा बड़े गणपति का चला गया। घरगुती गणपति में भी 50% ये हो गए, लोग घबर के आने, जिसने बुक किया था उस टाइम POP में थोड़ा बुक किया था उसने तुरंत POP कैंसिल कर दे दिया। जो गवर्नमेंट आदेश आ गया कि POP नहीं ये करेंगे तो POP कैंसिल हो गए, तो कम से कम 50% वो भी कम हो गए, यानी बहुत सा फर्क पड़ा। लेकिन अपने के लिए, बापा के लिए और सब जनता के लिए, वो अपने को सहन करके, सबने सहन किया तो अपने को भी सहन करके चलना ही है और सबको साथ देना ही है। महाराष्ट्र सरकार के नियम अनुसार कोविड के चलते सार्वजनिक गणपति की ऊंचाई 4.5 फीट तक की सीमित की गई है। ऐसे में कई सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल द्वारा लाई गई मूर्तियों की मांग में भी कमी आई है। पैंडेमिक के कारण अभी जो बड़े मूर्ति थे वो पूरे शट हो चुके हैं, पूरे बंद हो चुके हैं। लास्ट 2 ईयर से पैंडेमिक के कारण हमारे यहाँ पे 200 तक सार्वजनिक बड़े मूर्ति रहते थे, अराउंड 18 फीट से लेके 20 फीट तक। तो उनके थ्रू वो 200 मूर्तियाँ तो बंद हो चुकी ही है, बट उसके कारण जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स काम करते थे, जैसे पेंटर्स हो गए, उनको हेल्प करने के लिए हेल्पर हो गए, फिर वो अराउंड 20 लोगों का एक स्टाफ रहता था, तो वो 20 लोगों का स्टाफ का जो अर्निंग है, अर्निंग सोर्स है 6 महीने का, वो भी पूरा शट हो चुका है। और वो पेंटर्स है, वो वर्कर्स है, उन लोग को वही काम आता था, तो अभी ये बंद हो चुका है। तो इसके लिए उन लोग एक सब्स्टिट्यूट के लिए उनके पास एक कुछ ऑप्शन नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रही है। तो अभी उसका एक और एक भी बेनिफिट है कोविड पैंडेमिक के कारण, कि जो अभी लोग हैं वो नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए, उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, उसको साफ़ सुथरा कैसे रखा जाए, इसके लिए अभी इको फ्रेंडली मूर्ति के में ट्रांसफ़र हो रहा है। छोटे मूर्ति 3 फुट 2 फुट ये उन लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, लाना स्टार्ट कर दिया उन लोग ने। तो एक जैसे ईच कॉइन हैज़ ए 2 साइड, तो एक साइड तो अच्छा है कि नेचर के लिए सोच रहे, बट दूसरा साइड है ऐसा है कि जो हम लोग ने मूर्तियाँ बनाए थे बड़े मूर्तियाँ, वो अभी भी यहाँ पे पड़े हुए ऐसे ही है। तो दोनों पैंडेमिक ने दोनों चीज़ हमें सिखा दिया है। पैंडेमिक के कारण बड़े मूर्तियाँ रह गए, उसके पहले ही जो काम रहता है बड़े मूर्तियों का वो पहले से ही स्टार्ट किया जाता है, 1-6 महीने प्रायर काम स्टार्ट किया जाता है। तो जैन से काम स्टार्ट हो चुका था, ऑर्डर्स आ चुके थे,
तो उसके बाद ऑर्डर्स तो आ गए, काम भी स्टार्ट हो गया। फिर मार्च 22 को लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। फिर गवर्नमेंट ने लॉ निकाला कि 4 फुट और 3 फुट तलक ही सार्वजनिक गणपति है वो करना, लॉ निकाला था। तो उसके थ्रू जो बड़े मूर्ति हम लोग ने बनाए थे उसमें हमारा टाइम, हमारा मनी, हमारा वर्कर्स का जो रॉ मटेरियल सब उसमें लगा दिया था हम लोग ने। तो वो सब अभी तलक 2 साल से जो इतना मेहनत है वो अभी तलक यहीं पे ही है, उसका कुछ बेनिफिट्स आया नहीं अब तलक। वहीं दूसरी ओर मूर्तिकार जिनका परिवार मूर्ति बनाने के काम पर ही निर्भर है, आज कोविड के चलते उनके माली हालत पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। सर तो बहुत बड़ा हम लोग का नुकसान हुआ है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी है 4 फीट का गणपति बनाने का, उसके कारण हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान हो गया कारागिर लोग को। क्योंकि हम लोग सिर्फ बड़े गणपति का ही काम करते थे, मैं तो बड़े गणपति का काम करता था, लेकिन बड़े गणपति पूरे बंद हो गए, इसकी वजह से हम लोग को छोटे गणपति पे आना पड़ रहा है। और छोटे गणपति में हम लोग को बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बड़े गणपति में हम लोग को पैसा बेनिफिट मिल रहा है, तो छोटे गणपति में हम लोग को बेनिफिट है, हम लोग को बहुत बड़ा नुकसान हो गया उसके कारण। हम सीजन वाइज ही सिर्फ काम करते हैं, बाकी नॉर्मल तो हम लोग 8 महीना तो घर पर ही रहते हैं, 4 महीना सिर्फ हम लोग का कमाने का जरिया है। अभी वो भी कर जरिया भी हम लोग का पूरा बंद हो गया है, क्योंकि काम ही नहीं है मार्केट में, कहाँ पे भी काम नहीं है, मूर्तिकार वाले के पास ही मूर्ति नहीं है बनाने के लिए, तो वो काम हमें काम कहाँ से देंगे, तो उसके वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। एक्सपेक्टेशन तो कुछ नहीं है, अभी सरकार को उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी सिचुएशन ही वैसा है, उसके कारण हम उनको भी कुछ दोष नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए मूर्तिकार के बारे में, कारागिर के बारे में, सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए। उसके वजह से हम लोग का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसका कुछ तो बेनिफिट हम लोग को मिलना चाहिए, सरकार को भी हम लोग को थोड़ी बहुत मदद करना चाहिए हम लोग को, बस यही निवेदन हम लोग। सर्व कार्य निर्विघ्न पार पड़े तो उत्कर्ष होते, भरभराहट होते, मन संकल्पना पूर्ण होते, बोला गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति।